सो गाइज, आप सभी ने मेरे साथ थंबनेल देख लिया होगा, एसी वाले कूलर। तो बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि जो मार्केट में जो बेसिक से एयर कूलर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर आपको कूलिंग इन एयर कूलर्स में मिलने वाली है। वैसे इनके अंदर जो ब्रांडिंग है वो राम कूलर्स की है, बाकी ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड भी है जो इसी टाइप की एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बनाकर बेचते भी हैं। इनकी सबसे ख़ास चीज़ मुझे लगी है कि इनमें जो जुगाड़ यूज करके रखा हुआ है वो बहुत बेहतर है, उससे आपकी कूलिंग तो बढ़ती है साथ ही साथ आपके कूलर की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसकी जो खास बातें हैं उसको गिनवा के कैसी क्वालिटी है, कितना एयर थ्रो है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली आपको बताएंगे कि इसकी प्राइस भी क्या है। तो चलिए करते हैं वीडियो फटाफट स्टार्ट। सबसे पहली खास चीज़ इसकी मुझे लगी है वो है इसका वाटर टैंक, यानी कि जॉइंटलेस आपको वाटर टैंक मिल जाता है। इतने बड़े कूलर होने के बावजूद और आयरन बॉडी में आपको जॉइंटलेस टैंक किसी भी ब्रांड में नहीं मिल सकता। कोई भी ब्रांड आपको इस टाइप का कूलर प्रोवाइड नहीं करवा सकती। जो भी कूलर निकालेगी, जो भी ब्रांड निकालती है आयरन बॉडी में, उसमें वेल्डिंग वगैरह या फिर जोड़कर ही उसको बनाया जाता है, बट इसमें आपको जॉइंटलेस मशीन से आपको बनाया हुआ टैंक है और कहीं पर भी जॉइंट आपको देखने को नहीं मिलता। सेकेंड इसकी जो खास चीज़ मुझे लगी है, खास बात है, वो है इसका पाउडर कोटेड कलर। जो गाड़ियों के ऊपर पाउडर कोटेड कलर होता है वही इस एयर कूलर पर भी पाउडर कोटेड कलर है, जिससे कि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता ये एयर कूलर। और अगर आप आउटडोर में यूज़ करते हैं खिड़की के पास या कहीं पर भी, तो ज़्यादा हीट नहीं पकड़ेगा, तो आपका कूलर भी ठंडा रहेगा और आपको ठंडी हवा भी ये प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि थ्रो आउट करेगा। थर्ड चीज़ मुझे लगी है वो है इसकी फ्रंट वाली ग्रिल। दोनों कूलर की खास बातें यही है, दोनों कॉमन चीज़ें हैं, एक खाली इसमें कमी है, दोनों में डिफरेंस है सॉरी, वो आपको बाद में बताऊंगा। बाकी सबसे पहले ये फ्रंट वाली ग्रिल है, यहाँ पर ये प्लास्टिक की स्टिक दे रखी है साइड की तरफ और इसी में इस एल्यूमिनियम की जो फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो इसमें एडजस्ट करके रखी हुई, यानी कि कभी भी ये जाम नहीं होगी। एल्यूमिनियम पर कभी भी जंग नहीं लगता है और यहाँ पर प्लास्टिक पर भी नहीं लगता। आयरन बॉडी में जो ग्रिल दे देते हैं, लगभग कुछ 2-3 महीनों में यहाँ पर पानी जब थ्रो आउट करता है उस टाइम यहाँ पर ये ग्रिल जाम हो जाती है और आपका कूलर ख़राब हो जाता है। फ्रंट वाली ग्रिल आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मुझे लगी इस एयर कूलर में कि इसमें जो अंदर वाली ग्रिल है वो ऑटो स्विंग होती है, यानी कि आयरन बॉडी में ऑटो स्विंग इस एयर कूलर में आपको मिल जाता है, उसमें आपको हाथ से एडजस्ट करना है। यही थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों एयर कूलर के अंदर, बाकी दोनों में लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सारी की सारी क्वालिटीज़। चौथी जो चीज़ मुझे इस एयर कूलर में लगी है वो है इसकी ये वुडवुल पैड्स। 4 साइड है, फ्रंट में भी है, यहाँ पर भी है, लेफ्ट साइड में, यहाँ राइट साइड में भी है और बैक साइड में, सभी साइड में आपको वुडवुल पैड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि नीचे की साइड में वुडवुल पैड्स है, अंदर की साइड में जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है उल्टी साइड में, रिवर्स साइड में, जिससे कि आपको और भी ठंडी हवा आपको मिलने वाली है। इसकी खास चीज़ ये है कि यहाँ पर वुडवुल पैड्स लगे तो हुए हैं सभी साइड में, यानी कि 4 साइड में वुडवुल पैड्स तो लगे हुए हैं सॉरी, बट जो हनी सॉरी यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन, वो यहाँ पर ऊपर की साइड में लगा हुआ है, यानी कि उल्टा पूरी की पूरी हवा नीचे से खींचता है और आगे वाली ग्रिल से थ्रो आउट करता है, यानी कि ठंडी हवा नीचे से खींचेगा और आगे की तरफ थ्रो आउट करेगा। बाकी कूलर में यहाँ पर फ़ैन होता है और पीछे की साइड में 3 साइड में आपको वुडवुल या फिर हनीकॉम पैड्स मिलते हैं, बाकी इसमें 4 साइड है और ऊपर की साइड में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ जो कि आयरन ब्लेड में आपको मिल जाता है, वो भी फैन भी यहाँ पर पाउडर कोटेड आपको मिल जाता है। कॉपर वाइंडिंग यहाँ पर मोटर आपको मिल जाती है, 3 स्पीड मोटर है, यहाँ पर ऑटो स्विंग है, वहाँ पर 3 स्पीड है। बाकी आपको बता दो इसकी खास चीज़ कि यहाँ पर पीछे की साइड में ईजिली आप इसको ओपन कर सकते हैं, किसी भी स्क्रू को खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से ये यहाँ पर पैड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की साइड में यहाँ पर ट्रे बनी हुई है, सीधा वाटर थ्रो आउट यहाँ होता है और यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर अंदर की तरफ जाता है। बाकी इसमें मुझे एक खास चीज़ लगी है, आपको बताता हूँ मैं क्लोजली, आप खुद भी देखिए, कुछ इस टाइप का है एयर कूलर। अंदर की साइड में वो लगा हुआ है यहाँ पर वाटर पम्प, जिसके साइड में पूरी की पूरी यहाँ पर प्रोटेक्शन है, कोई भी यहाँ पर कचरा वगैरह अंदर नहीं जाएगा। बाकी वाटर जो टैंक है वो जॉइंटलेस है, पाउडर कोटेड अंदर भी है और बाहर की साइड भी है। ऊपर की साइड में कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये फ़ैन है और यहाँ पर ये नॉब दे रखी है पानी वाली, ये फ़ैन आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन है और रिवर्स में लगा हुआ है, यानी कि नीचे से पूरी की पूरी हवा यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से ये ऊपर की साइड से थ्रो आउट बाहर की साइड करेगा। कॉपर वाइंडिंग मोटर है, लॉन्ग लाइफ चलने वाली है और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा। नीचे की साइड में आपको व्हील्स मिल जाते हैं दोनों ही एयर कूलर्स के अंदर। बाकी प्राइसिंग की बात मैं आपको थोड़ा बाद में करता हूँ, उससे पहले आपको मैं इसका जो एयर थ्रो है वो आपको बता देता हूँ कि एयर थ्रो ऑलमोस्ट कितना है। और आप इजीली इस टाइप से इसको
फिट भी कर सकते हैं। तो इसका मैंने प्लग लगाया हुआ है और बिल्कुल ही लो स्पीड है ये एयर कूलर, नॉइस भी कम है, बिल्कुल लो स्पीड एयर कूलर है। लगभग ऑलमोस्ट लो स्पीड में आपको लगभग 20 फीट का एयर थ्रो मिल जाता है। सॉरी ये लो स्पीड है, ये मिड स्पीड है, मीडियम है और ये हाई स्पीड है। और यहाँ पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लो स्पीड में आप देखिए वहाँ पर जो पॉलीथीन उड़ रही है लगभग 20 फीट के डिस्टेंस पर है, वो पॉलीथीन यहाँ पर उड़ रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एयर थ्रो कितना दूर तक होगा। सो गाइस अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस 10,000 है और इसकी प्राइस जो है वो है 12,000 की प्राइस। दोनों ही 10 और 12,000 की प्राइस रेंज में एयर कूलर आते हैं। अगर ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वैसे मैंने थंबनेल लगाया था उसी पर ये पूरा का पूरा जाता भी है कि जैसे थंबनेल में मैं लिखा था एसी वाले कूलर, उसी टाइप के ये कूलिंग भी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा डिटेल मैंने डाल दिया है, वहाँ पर आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनको आप मंगवा सकते हैं। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होगा वो लगेगा, बाकी आपको एडवांस पेमेंट जमा करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।